सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे ले गया भाई पट्टे से एक हेडशॉट मारा सीधा डायनो बेहोश भाई हमारे इस स्टीमपंक वाले हथौड़े से। सो गाइस स्वागत है आप सबका स्टीमपंक एक और नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो स्टीमपंक का शुरू करने से पहले जो बड़े बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद एंड और हमारे व्लॉगिंग चैनल के, जो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वन लॉग है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो गाइस नीचे निट्रारो का लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस निट्रारो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइस आज का ये वाला जो एपिसोड है गाइस हमारा स्टीमपंक का वो बिना किसी देरी के शुरू करते। और गाइस स्टीमपंक में जो ना गाइस अभी हम लोग को गाइस यहां पे हमारा फर्स्ट मिशन है गाइस एक खतरनाक सा पावरफुल सा रोबो बनाना, ठीक है। लेकिन वो रोबोट बनाने के लिए जो ना गाइस मुझे यहाँ पे काफी सारी अलग अलग चीजें, कुछ अलग अलग मशीन्स बनानी पड़ेगी, उस रोबो का फ्यूल बनाना पड़ेगा, तो काफी सारी चीजें बनानी है। एंड वही सारी चीजें हम लोग यही यहाँ पे आज के इस एपिसोड में बनाने वाले हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि मैं आज यहाँ पे रोबोट बनाने में सक्सेसफुल जो है ना गाइस वो हो ही जाओ भाई, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मुझे अपने बेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नई नई मशीन्स जो है गाइस वो मुझे यहाँ पे अपने बेस पे जो है ना गाइस लगानी है। एंड उसके लिए मुझे जो है ना गाइस अपने बेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा और उसी के लिए मैं अभी यहाँ पे रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए आया हूँ गाइस, ठीक है। बाकी तो भाई अपना सूट कैसे लग रहा है स्टीमपंक वाला, काफी कूल लग रहा है ना। रुको फाउंडेशन थोड़े से बना लेता हूँ मैं। हाँ 60 फाउंडेशन से तो काम बन ही जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद थोड़े से रेलिंग और मेरे हिसाब से थोड़े से जो है ना गाइस यहाँ पे बस स्टेयर चाहिए होंगे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे थोड़े से स्टोन जो है ना गाइस वो इकट्ठा कर लूँ तो भाई वो सारी चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पे बेस को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी। फिर जाके ना मैं भाई एक खतरनाक सा स्टीमपंक वाला रोबोट, यहाँ पे रोबोट होता है, एयरशिप होती है भाई, अलग अलग चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। वो सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना मटेरियल इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई अभी फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड सटासट से अपने बेस को सबसे पहले एक्सपैंड करके कुछ नई नई इक्विपमेंट्स जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे अपने इनग्राम्स में देखूँ ना तो स्टीमपंक वाला एक रोबो बन रहा है, बट उसके लिए मुझे एयरशिप जो है ना उसके पार्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एयरशिप बार्बर चेयर, ये देखो एयरशिप के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे मुझे, एयरशिप डेक वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें गाइज मुझे बनानी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो इसलिए गाइज मुझे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये सारे पार्ट्स बनते कहाँ पे, लाइक एयरशिप के जो है ना गाइज यहाँ पे इंजन विंजिन वो सारी चीज़ें कहाँ पे बनती है वो पहले मुझे जानना पड़ेगा। उसके लिए मुझे हर एक चीज़ जो गाइज यहाँ पे इस मॉड में है ना वो हर एक चीज़ बना के यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी और वही काम आज मैं करने वाला हूँ। आज तो किसी भी और कॉपर पेपर का टेंशन नहीं लड़ेगा गाइस, ठीक है। तुम्हारे भाई के पास दबा के कॉपर पेपर और दूसरी चीज़ें जो ना गाइस वो पड़ी हुई है, कोई सीन नहीं है गाइस, ठीक है। सारी चीज़ें जो ना गाइस वो तुम्हारे भाई के पास यहाँ पे पड़ी हुई है, पहले से पड़ी हुई है मतलब बना सकता हूँ मैं, रिसोर्सेज मेरे पास पड़े हुए हैं। देखो अभी फटाफट से मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रेलिंग लगाने दो, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे स्टेयर्स लाइक दिस, ठीक है। चलो आ जाओ ये यहाँ पे रेलिंग एंड स्टेयर्स कहाँ पे चले गए, मेरे पास पहले से स्टेयर्स पड़े हुए हैं। ये रेलिंग गाइस यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर थोड़े से और फाउंडेशन है तो और आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ गाइस मैं अपने बेस को, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो है ना गाइस वो स्टीमपंक वाले बनाने हैं। और मैंने एक गाइस वेपन भी बनाया था जो खास किसी काम आया नहीं क्योंकि उसको चलाने के लिए कुछ गैसोलीन बिसोलिन चाहिए भाई, नॉर्मल वाला गैसोलीन नहीं, कुछ अजीब सा गैसोलीन जो कहाँ पे कैसे मिलेगा इसका मेरे को कोई भी आइडिया अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी फटाफट से मैं जो है ना गाइस ये सारे के सारी रेलिंग्स वगैरह लगा देता हूँ और यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह लगा के
अपना बेस जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको पिकअप कर लेता हूँ मैं, जो हमारी भाई प्यारी प्यारी सी रेलिंग्स है। अरे भाई ये क्या पिकअप कर दिया, चलो कोई ना भाई ये भी पिकअप कर ले, अभी कर ही लिया है तो वो भी पिकअप कर लेता हूँ। एंड यहाँ से रेलिंग उठा लेनी है मुझे फटाफट से, बस हो गया काम गाइस हमारा। चलो लेट्स गो गाइस, अभी यहाँ पे इधर गड़ा ला भाई, वो भी उठा ले, खोलो रे एक मेटल है बस खाली, ठीक है। चलो अभी मैं एक एक करके सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स है ना गाइस वो बनाने का काम चालू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग इक्विपमेंट है, ये किस काम आएगा ये पता नहीं, वो इसमें गन पाउडर वगैरह वो सारी चीज़ें बनेगी गाइस, ठीक है। ओके ठीक है, चलो इसकी अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा फार्मिंग का जो काम है ना गाइस वो होगा, बट मैं फार्म क्या ही करूँगा करके बताओ मुझे। फर्टिलाइज़र बनेंगे तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हाइट तो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, मैं अभी इसको डीएक्टिवेट करके रुका गई सारा हाइड ले ले अपने पास, उसके बाद एक्टिवेट क्ले कर ले, ये भी नहीं बनाना, कॉपर प्लेट्स, आयरन और ग्लास नहीं, डायमंड भी नहीं बनाना है। ओके कोल स्मेल्टेड और मतलब यही चीज़ें सारी यहाँ पे बन सकती है गाइस, ठीक है। ग्लास पैनल वगैरह, ठीक है, वही चीज़ें इसमें बनती है, ठीक है। अपने इंजन विंजिन के पार्ट नहीं बनेंगे। इसमें क्या बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर में हीट मीट स्पॉयलर है, फ्लैश एंड हैवी टू स्पॉयल सुपर फास्ट विल प्रोड्यूस स्पॉयल मीट रिक्वायर्ड पावर टू ऑपरेट, ठीक है। इसमें प्रोड्यूस स्नो वेदर सिस्टम एंड स्पॉन स्नो बॉल फॉर यू थ्रूआउट योर स्नो वेदर सिस्टम, ये बना रहे भाई, ये जो भी चीज़ें बना ले भाई। इलेक्ट्रिक में क्या है, इलेक्ट्रिक आउटलेट इलेक्ट्रिक ग्राइंड, अच्छा इलेक्ट्रिक पाइपलाइन भी प्लान है भाई, ठीक है। चलो डिफेंस में क्या है हमारे पास, रिक्वायर इलेक्ट्रिक ऑटो स्टीम इम्प्लेंट टरेट भाई, टरेट भी रेट से बना ले। यहाँ पे सारी डिफेंस विफेंस की चीज़ें हैं, लाइटिंग में और लाइटिंग बल्ब बिल वगैरह फैन भी ने एडवांस स्टैंडिंग लाइट भाई लगा, बना ले भाई सब एक हर एक चीज़ें जो ना कि मैं आपको बना के दिखा दूँगा। वॉल लाइट है, कॉपर सीलिंग राउंड ये भी नहीं, हर एक चीज़ मुझे देख लेनी है भाई, ठीक है। कॉपर बिलबोर्ड नहीं चाहिए, कॉपर फाउंडेशन है और कॉपर ग्लास वॉल है बना, मैं हर एक चीज़ नई नई जो इसमें है वो अपन ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ भैया, हाइट कहाँ पे रख दो अभी मैं, ये तो यहाँ पे रख सकता हूँ, रखो लेदर यहाँ पे डाल देता हूँ पूरा का पूरा, भर भर के लेदर है 44,000 टोटल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो है ना गाइज ये टेरेट लगा देता हूँ, ये टेरेट हमारे डिफेंस का काम करेगी, ठीक है, यहाँ पे लगा दें। बट इसके लिए मुझे जो है ना गाइज ये डाउन है अभी फिलहाल के लिए, मुझे इसके लिए भाई स्टीम पावर चाहिए होगी, वो कहाँ से मिलेगी मुझे पता नहीं है। ये एक और मशीन, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मशीन है गाइज, ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया गाइज, रुको भाई यहाँ पे लगा दे ऐसा, ये क्या चीज़ बना दी इसमें, अरे बाबा रे बाबा स्टार्ट, इसके लिए कुछ चाहिए क्या ना, डायरेक्टली स्टार्ट हो गई, वो स्नोबॉल फेंक रही है, ये तो अपने अंदर से स्नोबॉल फेंक रही है गाइज, ये तो अपने अंदर से, अरे स्नोबॉल फेंक रही है जमीन पे। हाँ बट यहाँ पे स्नो वाला तो इन्वायरमेंट बन ही नहीं रहा क्योंकि स्नोबॉल तो पानी में जा रहे हैं। ओह रुको, क्या मैं पिकअप कर सकता हूँ इन स्नोबॉल्स को पानी के अंदर से, हैं यस मैं इन स्नोबॉल्स को पिकअप कर सकता हूँ, अरे बाबा अरे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार तो पूरा भाई एरिया स्नोबॉल से ढक जाएगा, रुको ये भाई बंद कर ले भाई बंद कर ले, अच्छा मतलब ये स्नोबॉल यहाँ पे डाल डाल के पूरा स्नो वाला एरिया बना डालेगी इसको, ठीक है रुको रुको ये मशीन को बंद कर दो भाई, मैंने भाई स्नो मेकिंग मशीन बना ली आप भाई, मुझे ये देखो भाई ऐसे भाई पूरे एरिया में जो ना स्नोबॉल्स डाल देगी है, पूरे एरिया में डाल देगी, मैं इसको बंद कर लेता हूँ वरना पूरा एरिया जो ना छोटे छोटे स्नोबॉल से भर जाएगा। ठंड लग रही है भाई, चार स्नोबॉल क्या गिर गए यहाँ पे, तेरे को ठंड लगने लग गई, ठीक है भाई ठंड लगने लग गई भाई इसको, भाई ये क्या है भाई स्नोबॉल्स बम की तरह क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन हैं ये देखो गाइज भाई रुको स्नोबॉल फाइट करते हैं गाइज, काफी कूल मशीन है गाइज, काफी कूल मशीन है, ये ले ये ले ये ले ये ले बेटा ये ले बेटा ये ले बेटा ये ले बेटा, स्नो बॉल्स मारो भाई इसके तोपड़े पे भाई, स्नो फाइट, चलो अकेला अकेला क्या स्नो फाइट खेलूंगा, ये स्नो बॉल्स वैसे किसी काम के तो नहीं है अभी फिलहाल के लिए, पहले इसको पेल दो मैं, चलो उसके बाद मैं आगे की मशीनरी जो है ना गाइस वो बनाने का काम चालू कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे स्टीम पंक वाला रोबो बनाना है और उसके लिए जो भी मशीन चाहिए होगी वो मशीन में बना के रहेंगा ना मेरे भाई, अभी मरता क्यों नहीं है, मर गया भाई, स्नो बॉल मुझे यहाँ पे फेंकने दो,
इनकी जरूरत अभी फिलहाल के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी वॉल्स कहाँ पे लगा दूँ भाई? स्नो बॉल्स देखो भाई, वॉल में यहाँ पे लगा देता हूँ ना, ग्लास वॉल है भाई, कुछ तो काइंड ऑफ ग्लास वॉल्स है। ये काफ़ी कूल लग रहे हैं, मैं इससे जो ना एक्चुअली में घर बना सकता हूँ इस पता है आपको, पर अभी फिलहाल के लिए घर बनाने का मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि भाई घर बना के क्या ही जाऊँगा मैं, वैसे भी भाई 10-12 एपिसोड ही आएंगे इस सीरीज़ के, सो भाई घर बढ़ा के क्या ही करूँगा, इसलिए घर नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, लैंप लगा इधर, सेट पिन कोड अनपावर्ड, उसके लिए पावर्ड लगानी पड़ेगी। नॉर्मल भाई खतरनाक लैंप लग रहा है इस वैसे ये, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। चलो इनको सबको छोड़ो, मुझे ये बताओ और क्या क्या बन सकता है। ये सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने, अभी वर्क बेंच के अंदर और क्या क्या बनता है मुझे बताओ। आर्मर तो मैंने देख लिया और शील्ड भी देख ली, ये वाली शील्ड बना नहीं है, कॉपर शील्ड बना ले। रुको अभी मेरे को बताओ बेस डिफेंस क्या ही है। पावर्ड ईएमपी बॉम्ब, भाई ईएमपी बॉम्ब बनाऊंगा मैं, भाई मैं बनाऊंगा 2 ईएमपी बॉम्ब। बेस क्या, क्रिसमस में क्या है, स्टिमपंक क्रिसमस प्रेजेंट बना, बना भाई स्टिमपंक क्रिसमस ट्री बना। बेस क्या ये वेद भाई, रात ब्रिद बना, सब बना बेस क्या, सब बना ले भाई, हर एक चीज़ बना दूंगा मैं अभी। ठीक है, क्रिसमस हो गया, कॉपर में, ये कॉपर में तो अपना वो है ना, कॉपर वॉल फाउंडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है ना, लिफ्ट विफ्ट, ये ग्लास कॉलोनी विलिनी, ये नॉर्मल चीज़ें बन रही है गाइस सारी की सारी। मतलब मैं यहाँ पे खूबसूरत था कॉपर का घर भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाना है मुझे। ड्रिलिंग के लिए क्या है भाई, ये डायमंड ड्रिल भाई लगा, ये कहाँ पे लगेगी लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ लगेगी, मैं बना तो रहा हूँ बस यार चीज़ें बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भाई देखना है कि वो इंजन कहाँ पे लगेगा मेन। ठीक है, इंजन कहाँ पे बनेगा, लगेगा नहीं बनेगा गाइस, वो देखना है मुझे। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये शील्ड कैसी लग रही है वैसे। उड़ी बाबा गोल्डन शील्ड बोल दे ब्रो, ऐसा भाई जाऊँगा कैप्टन अमेरिका बन के भाई बुल्डो। ठीक है भाई, ठीक है, काफ़ी बढ़िया शील्ड है वैसे। ये हाथ में भाई ये क्या पकड़ रखा है, हैमर पकड़ थोर का, हाँ मेरी जी यार, चलो आ जाओ भाई लोग, लेट्स गो। ठीक है, अभी ये छोटी हो गई क्या मशीन, इसको स्टार्ट करते तो बड़ी हो जाती है क्या? नहीं नहीं इतनी है। ठीक है चलो, मुझे बताओ ईएमपी बॉम्ब डाल सकते हो क्या, क्या है ये टर्न ऑन, गाइस ईएमपी बॉम्ब आ गाइस, मैं दूर जाके ईएमपी बॉम्ब फोड़ दूँ क्या, क्या बोलती पब्लिक है गाइस? मैं घर से थोड़ा दूर जा रहा हूँ और ना अपने पता चले सारे इक्विपमेंट ही डिसेबल हो गए, जितनी मेहनत 2 एपिसोड में करी है वो सारी खल्लास खत्म। इधर भाई चलो दूर हटो, स्पाई ग्लास से देखेंगे अभी हम लोग स्पाई ग्लास से देखेंगे भाई। अबे यार ये शील्ड हटाना यार, क्या कर रहा भाई तू, स्पाई ग्लास से देखेंगे ईएमपी बम को फटते हुए, ईएमपी बम को फटते हुए स्पाई ग्लास से देखेंगे गाइस हम लोग। 30 सेकंड में फटने वाला है भाई, ठीक है, फुल बुमबाम हो जाएगा भाई, फुल बुमबाम। थोड़ा दूर ही रहे भाई, इधर से जंप मार मार के देखूंगा मैं इसको, फट भी रहा है कि नहीं, 30 सेकंड नहीं हुए क्या भाई? ओ भाई, अरे भाई, ईएमपी चार्ज था इसलिए पीटी को कुछ भी नहीं हुआ। ईएमपी आपको पता है किसी भाई यहाँ पे जो ना कहीं इंसान को या जानवर बिनवर को हर्ट नहीं करता, सारे आपकी इलेक्ट्रिक जो चीज़ है उनको हर्ट कर देता है, मतलब उनकी बैंड बजा देता है। शिट डिसेबल, देखा वहाँ पे ईएमपी बोला, यहाँ पे चीज़ें डिसेबल हो गई, वापस चालू कर लेता उनको, लगाया था मुझे भाई ऐसे ही कुछ होने वाला है भाई, मैंने वहाँ पे ईएमपी बम फोड़ा, चीज़ें डिसेबल मेरे बेस पे हो गई। ये होती ईएमपी बम की पावर गाइस, ठीक है, ये होती ईएमपी बम की असली पावर गाइस। ठीक है भाई, सब क्या ही बोले, और क्या क्या बंद हो गया, इग्नाइट, हर एक चीज़ डिसेबल हो गई भाई मेरी, हर एक चीज़ जो चालू थी वो हर एक चीज़ बंद हो गई। सही है, चलो इसको छोड़ के, ये तो चालू ही नहीं थी, चलो आ जाओ ईएमपी बम। अरे और क्या है बताओ भाई, एक ईएमपी बम बचा के रख देता हूँ गाइस अभी के लिए, रहने दो भाई। ठीक है, और ये क्या चीज़ है भाई, दूसरी को हर एक चीज़ देखें ना बन, ये क्या चीज़ है, गिफ्ट बॉक्स से बोले, एक्सेस इन्वेंट्री, इसमें हमको, ओ इसमें हम लोग को भाई, हमको इसमें जो है ना गाइस यहाँ पे हमारे सेंटा क्लॉज अंकल जी गिफ्ट देंगे भाई। ठीक है, इसको ओपन कर ले गिफ्ट को, क्या है, डेकोरेट करके रख सकता हूँ, ओपन, ओके, मतलब सेंटा अंकल जी हम लोग को यहाँ पे गिफ्ट देंगे भाई, ये काफ़ी कूल है यार। उई क्रिसमस ट्री ब्रो, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा, उई उड़ी बाबा, क्या हो गया बता नहीं क्या हुआ, इधर लगाइए, ओ भाई खतरनाक यार, चीज़ें काफ़ी खतरनाक है, वही चला गया, 30 सेकंड का कूल डाउन है शायद से उसमें, चलो कोई नहीं, ये लगा दिया, और बता, हर एक चीज़ देखेंगे हम लोग, हर एक चीज़ देखेंगे। रुको, ये क्या चीज़ है,
वॉल बिल पे लगने वाला लग रहा मुझे तो। अच्छा वो जो मैंने फूल वाला लगाया था ना वही मेटल वाला। अभी मेटल वाले क्रिसमस ट्री भी देख लो गाइस, ये रहा मेटल का क्रिसमस ट्री जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये रहा गाइस मेटल का क्रिसमस। भाई स्टॉप और स्टार्ट भी होता है क्या भाई? स्टार्ट कैसे होगा? रिक्वायर ऑयल टू पावर्ड, ऑयल भाई ऑयल खींच लें भाई। चालू का बोल रहे भाई, इसमें से क्या निकलेगा जरा मुझे देखना है। रुको मेरे को यहाँ पे देखना है क्या निकलेगा इसके अंदर से। अबे गैसोलीन नहीं भाई, ऑयल चाहिए ऑयल ऑयल। अरे ऑयल तो मेरे पास 1000 पड़ा है ना, रुको डाल इसमें, टर्न ऑन। ओ भाई म्यूजिक बजाएगा एकदम बुलडू भाई। डिटेलिंग कॉपीराइट वाला गाना बजाते हो सर? कॉपीराइट वाला गाना बजाते हो ठीक है भाई, घूमने फिरने लग जाता है यार। डिटेलिंग तो सॉलिड है भाई जिसने भी मॉड बनाया है। चलो आ जाओ अगला भाई, अगली चीज बताओ मुझे। ए ड्रिलिंग बिलिंग का कुछ बनाया ना मैंने, मुझे ये भी चेक करने दो, मुझे हर एक चीज चेक करनी है। ड्रिलिंग कहाँ लगेगा? अच्छा ड्रिल यहाँ पे लगेगा, लगा डाल इसको। इसके अंदर भाई ड्रिल डालना पड़ेगा पहले तो। रिक्वायर गैस टू पावर, भाई ये लेना गैस स्लॉट वन। अच्छा नहीं ये ड्रिल कहाँ लगेगी भाई? वो ये यहाँ पे लगेगी। ओ ये जमीन में छेद करेगा। ओ ये कौन सी वाली ड्रिल है? स्टीम ड्रिल बिट भाई। नहीं 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 डायमंड वाली ले, डायमंड वाली, डायमंड वाली, डायमंड टिप बिल्ड। हाँ ये वाली वाली, ये वाली खतरनाक है डायमंड वाली। बस इसको चलाने के लिए हम लोग को डालना पड़ेगा रिक्वायर गन पाउडर टू एक्टिवेट। ओह शिट गन पाउडर क्या अभी बना था गाइस? रुको गन पाउडर भाई खतरनाक चीज है यार इसमें, बट मुझे गाइस रोबो बनाना है, मुझे थोड़ी ये सारी चीज़ें बनानी है। ये लो भाई बना ले भाई, गन पाउडर एक का डबल कर ले। चल गन पाउडर एक का डबल कर लेता हूँ। रुको मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं एक्चुअली में गाइस, यहाँ पर मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं, बट फिर भी मिल रही है क्या ही बोले। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो आ जाओ मैं इस ड्रिल को भी चालू कर देता हूँ। मुझे ऐसा वर्क बेंच ढूंढना है जिसमें भाई हमारी जो है ना रोबो बन सके, बट वही नहीं मिल रहा मुझे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे वाय वाय वाय, ड्रिलिंग चालू ब्रो, ड्रिलिंग चालू गाइस फुल स्पीड में। अरे क्रिस्टल विस्टल अलग चीज मिल रही है बाबा, खतरनाक गाइस खतरनाक। ये बना ली तुम्हारे भाई ने ड्रिल भी। आगे बताओ क्या है भाई, आगे बताओ। ड्रिल का काम खत्म, फर्नीचर फर्नीचर का अचार डालूंगा मैं। उई वाओ भाई काफी कूल चीज है भाई ये, बना ले भाई ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स स्टीम भाई ये बना ले तो भाई सब चीज़ें बना ले। ये क्या चीज़ है भाई? बना ले ये भी। ये क्या चीज़ है पता नहीं भाई, अभी क्या हो गया भाई? क्लोज कर ले, मैं हर एक चीज़ बनाऊँगा कहीं जाप पर ठीक है। मैं हर एक चीज़ बना रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। पावर केबल आइटम ग्रेबर ग्रैब आइटम फ्रॉम द डायनोज इन्वेंट्री। नहीं 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 ना ना, सैडल में तो एंग्लो सैडल है ओनली। स्टैचूज में भाई स्टैचूज है कुछ, रुको मैं बना लेता हूँ हर एक चीज़। रुको एंड स्टीम पावर्ड में स्टीम पावर्ड प्रेस और स्टीम पावर्ड कॉयल जनरेटर। ओ वेट अ मिनट, ये भी बना ले चल ठीक है। टेक जनरेटर, पता नहीं ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है? विल पावर द बेस विद द मैनुअल पावर ऑफ अ ट्राइक व्हाट? हेलो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब चीज़ें मिल रही है। ये ज़रा एक बार चेक कर ले क्या है। ये बोल रहे कि अगर ये तुम यहाँ पर ऐसा लगा दे हो और इसके ऊपर तुम ट्राइक डालते हो ट्राइक ठीक है। ए ये 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 उठा रहे भाई, ये क्रिसमस का गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, उठा। हाँ ये क्या हो गया भाई, इतना बड़ा क्या तोड़ दिया मैंने भाई इसके? इतना बड़ा तो बक्सा नहीं था भाई, जितने बड़े भाई वो टुकड़े गिर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर बोल रहे कि इसको ऐसा लगाओ, लगा के इसमें डायनो रखो बोले। ये भाई एक ट्रैक टीम करके ला फटाक से भाई, ये तो लेटेस्ट न्यूज है गाइस। गाइस रुको एक ट्रैक भाई, ट्रैक टीम करके ला भेज क्या? सच में भाई ऐसा होएगा क्या? ऐसा वो लोग बोले हो सकता है गाइस, रुको ट्राई मारने दो। ये ट्रैक 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 भाई ट्रैक चाहिए मुझे, ट्रैक ढूंढना है गाइस। रुको भाई ट्रैक अंकल कहाँ पे हो भाई? अब तो भाई यहाँ पे ट्रैक तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा भाई। जब नहीं चाहिए होते ना ऐसे घूमते रहते ट्राइक भाई कचरे के मापिक। आज जब मेरे को चाहिए ट्राइक तो मेरे को मिल नहीं रहा ट्राइक, बताऊँ। हाँ ऊपर ट्राइक है, ऊपर ट्राइक है। इनको टेम करने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पर बुक्के मार मार के टेम करेंगे ना भाई। डरे क्या जिम करे भाई? रुको
डरे क्या, हथौड़ा ले ले थोर का, थोर के हथौड़े से बेहोश करूंगा मैं ये। तू पैसिव रे बेटा, ठीक है, ये पैसिव नहीं रहेगा क्योंकि शेर है। कुछ टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। वो भग गया, फिर मार खाना है। वो ट्राइक किधर है? कोई ट्राइक्स भाई, ट्राइक आ गए। ए ट्राइक आ यार, चुप रहा है कह रहे मेरे से। भाई तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, इमरजेंसी है। ये ले बेसिक केबल बनाओ और इसको टेम कर लो। ये बेसिक केबल बोलो जो बाके सिर्फ एक दे गया इस नंबर को। अरे बेस क्या भाई, नीचे ढकेलेगा क्या डायरेक्टली? चलो गाइस, मैंने ट्राइक जो है ना गाइस, भाई दो टेम कर ले, भाई कर ले टेम दो। लगता तो एक काम धंधा नहीं है बेस क्या का, को तो एक काम धंधा नहीं सारो भाई। ट्राई क्या हो गया, कितना बेसिक केबल? सिंपल केबल चाहिए, बोलना भाई तेरे को सिंपल केबल मंगता, 10 सिंपल केबल देगा ये ले। टेम हो जा बस खाली भाई। चलो अभी इसको लेके जाके मैं देखता हूँ कि डायनो की मदद से मैं पावर कर सकता हूँ कि नहीं अपने पूरे बेस को, ठीक है। बट मैं कब देखूंगा, जब ये बारिश चली जाएगी। सो ये बारिश चले जाने दो, उसके बाद गए हम लोग यहाँ पे हमारा आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये बारिश को जो ना कहीं जहाँ पे टाटा पे गुड बाय होने दो पहले। भाई मेरे को लग रहा है मैंने काफ़ी खतरनाक वाला मॉड डाला, इस मॉड में सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है गाइस, ठीक है। ये अगर सच में वर्क करता है ना तो ये सबसे खतरनाक चीज़ होगी गाइस। रुको बारिश जाने दो पहले, देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. बारिश गाइस यहाँ पे गायब हो चुकी है। अभी मेरे को देखने दो कि जो इन लोगों ने बोला था क्या वो सच है। इधर ट्रैक डाल भाई, एंड अरे मैया भाई तू सच में पावर कर रहा है बेस को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है भाई मेरा ट्राइग। अरे बाबा रे बाबा गाइस, भाई इनोवेशन भाई, इन्वेंटर बन गया तेरा भाई, देख रहे हो। डाइन उसकी मदद से बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं बेस की आग। मजाक हो रहा है क्या भाई, खतरनाक भाई तू। तो ये तो स्टीम पावर पे चलता है ना। अरे ये भी चालू हो गया, पूरे बेस को बिजली दे दे ट्राइक ने। अरे भाई साहब वो ये बुलेट चाहिए। अरे बाप रे, काफी ज्यादा तगड़ी बुलेट्स लग रही है वैसे। बुलेट्स देखो, बुलेट्स घर जाएंगे ब्रो, इतनी खतरनाक बुलेट्स बनेंगी तो। बुलेट्स बन रही है काफी ओपी वाली भाई, ठीक है। बनने दो बुलेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बुलेट्स को बनने दो भाई। और भाई टारगेट क्या करना है भाई, अपना टारगेट बेटा भाई ओनली वाइल्ड क्रिएचर भाई। हाँ उड़ा पूरी बाप। अरे भाई एक भी नहीं मरा। रेंदे भाई। अरे क्या है भाई, ये गोलियां खत्म हो गई बट इससे एक क्रीचर नहीं मरा। नहीं मार दे लग रहा है मेरे को तो लग रहा है मार दे, गोलियां बची हुई है अभी तक भाई। भाई ये अपना डिफेंस गाइस तगड़ा वाला, डूम 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 करके गोलियां मार रहा है भाई, खतरनाक। आगे बढ़ो भाई, ये ट्राई खतरनाक बना दिया मैंने। और क्या क्या बनाया था मैंने गाइस, मैं तो इनोवेशन करे जा रहा हूँ। चेयर बनाई थी मैंने खतरनाक वाली। क्या ये चेयर है वहाँ पे, गोलियां मार रहा है वो अपना कैनन बेस क्या। ये चेयर है क्या, बैठेगा कैसे इंसान? अब इस पर बैठेगा कैसे इसे छोटू से चेयर पे? भाई मेरा एक पिछवाड़ा भी नहीं इसमें आ पाएगा भाई, पर मैं पूरा कैसे आऊँगा भाई। चेयर भाई डिमोलिश कर दे भाई, ये लगा के डिमोलिश का ऑप्शन है, कर दें सीट ऑन बार चेयर। हाँ भाई सीट ऑन का ऑप्शन आ रहा है भाई, लेकिन मैं उठ रहा हूँ। अरे बाप रे, ओरे भाई एक से मैं भाई बाल भी काट सकता हूँ मेरे यहाँ पे। अरे खतरनाक भाई, अबे एयर नहीं भाई, ये वाले फुली कर दें। हाँ बाल काट ले थोड़ा, मुँह के भाई खतरनाक गाइस, लेट्स गो भाई। ये चेयर काम की है, नली नहीं है, काम की चेयर है गाइस। रुको घुमा बेस क्या, घुमा पूरा ना नहीं घुमा सकता क्या? हाँ ठीक है चलो, कोई ना मैं यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है डन। ये चेयर काम की है, इसमें बाल काट सकते हैं हम लोग भाई, ठीक है बाल काट सकते हैं। ये क्या कर रहा है भाई, तो पीटी घर पे घूम रहा है। अच्छा बुलेट खत्म हो गई क्या, रेंदे गन पाउडर भी ज़्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं हम लोग ने, ये तो ड्रिल मशीन है ना अपना, PMP बम भी है। ओ ये क्या चीज़ है भाई, वो तो म्यूजिक सिस्टम लग रहा है मुझे एकदम खूबसूरत सा भाई, लगा डाल इधर, ठीक है। सीट ऑन स्टीम, हाँ अरे भाई
भाई हेलो भाई, इसको देख के पायरेट ऑफ द कैरेबियन मूवी की याद आ गई गाइस। सेम टू सेम वैसे बना हुआ है, देखो बिच्चिक डिच्चिक बल्ले बल्ले शाबाश। भाई प्रोफेशनल खतरनाक गाइस, भाई बजा रहा होगा इसमें, लिटरली है ये बजा रहा होगा गाइस। भाई ओपी चीज है भाई, जो भी ओपी चीज है मजा आ गया इसको बना के। और ऐसी अलग अलग चीजें गाइस इस मॉड में बन रही है, ठीक है, वो सारी मुझे चेकआउट करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे एक वर्क बेंच चाहिए जिसके अंदर क्या बनेगा पता है? देखो, जिसके अंदर ये रोबो बनेगा। ये रोबो किस मशीन में बनेगा लिखा नहीं, बट इन्होंने बोला ये रोबो बनेगा भाई पक्का। ये रोबो बनाने के लिए हम लोग को एयरशिप इंजिन, एयरशिप फ्यूल और एयरशिप हल की जरूरत है। और ये कहाँ पे बनेगा, कौन से इक्विपमेंट में बनेगा, कहाँ पे कैसे पता बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के लिए मैं जो ना गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। हर एक चीज़ बना बना के लगा रहा हूँ, सारी जितनी भी चीज़ें देखिए एक एक नंबर चीज़ है भाई, एक एक नंबर। ये ड्रिल देखा, ड्रिल में सामान देखोगे जा आगे भाई, गन पाउडर और डाल। अल्लाह भाई ये लो, डायमंड की ड्रिल लगा रखी है, फुल ड्रिलिंग बिलिंग चल रही है भाई। अपने स्ट्राइक से पूरा बेस पावर्ड हो रहा है भाई, मजाक हो रहा है क्या गाइस, खतरनाक यार, मजा आ गया ये मॉड खेल के तो। बाकी आपको बताना ये मॉड कैसे लगा, इसमें काफ़ी सारी अलग अलग और चीज़ें जो है ना कि जो एक्सप्लोर करना बाकी है, बट वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। अभी के लिए तो ये वाला एपिसोड स्टीमपंक का हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दे, शेयर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे सीधा अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और गाइस ये डायनो जनरेटर जो है ना, डायनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, भाई चल भाई चल, देखो कैसे रहा, चल देखो कैसे रहा, एकदम फुल फुल भाई, डिटेलिंग देखो भाई, डिटेलिंग भाई, इतना डिटेल मॉड में सच बता रहा हूँ मैंने कभी भी नहीं देखा है। इतना आर्क खिलाओ में इतना डिटेल मॉड, बताओ अपने आपने बताओ, ऐसी मशीनरी कहीं पे देखी है, ऐसी देखी है मशीनरी इतनी डिटेलिंग वाली? खतरनाक मॉड है यार ये, खतरनाक ही मॉड है, मजा आ गया गाइस। ये आपको कैसे लगाना भाई ट्राइक जनरेटर, वो भी मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर बताना गाइस, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क स्टीमपंक के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।